गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, इन द फंडामेंटल ऑफ हॉर्टिकल्चर टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू प्लांट प्रोपगेशन, पौधों का प्रसारण। पौधों का प्रसारण पौधों की संख्या में बढ़ोतरी करने के ही पौधों का प्रसारण कहते हैं। एज यू नो, द प्लांट प्रोपगेशन इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द प्लांट्स। पौधों की संख्या, एक बीज से अथवा एक पौधे से अधिक पौधे प्राप्त करना या बनाना पौधों का प्रसारण कहलाता है। इसके दो तरीके होते हैं, बीज द्वारा तथा वानस्पतिक विधि द्वारा। बीज द्वारा सिंपली इसमें बीज को हम बो देते हैं और नया पौधा तैयार कर लेते हैं। इसका महत्व इसलिए है कि कुछ फल वाले पौधे ऐसे होते हैं जिनका प्रसारण केवल बीज द्वारा किया जा सकता है, जैसे केला, पपीता, एक्सेट्रा, तो उसमें वानस्पतिक प्रसारण संभव नहीं होता। या सॉरी, बीज द्वारा, जैसे पपीता है, इसको केवल बीज द्वारा हम प्रसारित करते हैं। केले का प्रसारण वानस्पतिक द्वारा होता है साली, तो ऐसे जिसमें बीज को केवल, जैसे पपाया, इसका प्रसारण बीज द्वारा है। वानस्पतिक विधि में दो तरीके होते हैं, एक प्राकृतिक तरीकों द्वारा तथा दूसरा आर्टिफिशियल बनावटी तरीकों द्वारा। प्राकृतिक तरीकों में जैसे कुछ पौधे ऐसे हैं जो नेचुरल प्राकृतिक में, जैसे डिवीडेज जिसको कहते हैं, नेचुरल डिवीडेज, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो कि प्रकृति में अपने आप उनसे तोड़ करके, कोई अंग तोड़ करके सिंपली हम सुटेबल मीडियम में प्लेस कर देते हैं, तो उसमें नया पौधा तैयार होता है। जैसे ब्रायोफाइलम में है, केवल अगर आप पत्ते को तोड़ के डाल दीजिए तो नया पौधा तैयार हो जाएगा। इसमें रनर माने दौड़ कर चलने वाला, जैसे धूप, इसका एग्जाम्पल है धूप घास, वो रनर दौड़ करके चलती है, और उसको तोड़ करके अगर हम सुटेबल मीडियम में डाल दें तो दूसरा पौधा तैयार। ऑफसेट ट्यूब रोज, रजनीगंधा में ऑफसेट ज़्यादा प्रोपगेशन होता है डिवीजन करके। और बल्ब, जैसे ऑनियन, सकर्स में बनाना है, क्रिजेंथमा में, इसमें सकर्स द्वारा। ट्यूबर, आलू का प्रोपगेशन ट्यूबर द्वारा होता है नेचुरल तरीके से। आर्टिफिशियल बनावटी तरीके में दो प्रकार के तरीके होते हैं, बाय सिंगल प्लांट एंड बाय ड्यूअल प्लांट, एक पौधे द्वारा तथा दो पौधे द्वारा। एक पौधे द्वारा प्रोपगेशन होता है, जैसे कर्तन है आपका, कटिंग एंड लेयरिंग। कटिंग क्या है, आप लोग जानते हैं, बहुत से लोग गुलाब की कर्तन वगैरह करके घर में लगाते हैं। इसमें कई प्रकार है, जैसे जड़ कर्तन, रूट कटिंग, स्टेम कटिंग, स्टेम कटिंग में तीन भाग होते हैं, मीडियम कटिंग, सॉफ्ट रूट कटिंग, लीफ कटिंग तथा मॉडिफाइड स्टेम कटिंग। तो इस तरह से ये तीन प्रकार, कई प्रकार के कर्तन होते हैं, और हम इससे कटिंग सिंगल प्लांट में है, कटिंग और लेयरिंग। कटिंग में आप जानते हैं रूट कर्तन है, स्टेम कटिंग है, स्टेम कटिंग में मीडियम स्टेम कटिंग है, सॉफ्ट रूप कटिंग है, लीफ द्वारा कटिंग करके सिंपली लीफ द्वारा, जैसे कोलियस का पौधा है, कोलियस है ब्रायोफाइलम, इसमें पत्ते की कर्तन करके हम लगाते हैं, मॉडिफाइड स्टेम कटिंग। नेक्स्ट लेयरिंग, लेयरिंग में सिंपली सिंपल लेयरिंग, रिंग लेयरिंग, सर्पेंटाइन लेयरिंग। सर्पेंटाइन लेयरिंग में हम एक पौधे से कई कटिंग बना सकते हैं, ऐसे करके जगह जगह उसको मोड़ करके यहाँ पे दाब देते हैं, और ऐसे करके यहाँ पे दाब देते हैं मिट्टी में, तो एक साथ हमको कई कर्तन प्राप्त हो जाते हैं, इसको सर्पेंटाइन कटिंग कहते हैं। या टिप कटिंग, टिप कटिंग दो प्रकार के पोर्शन होते हैं, जैसा कि आप लोग प्लांट में जानते हो, एपिकर्टर्नल पोर्शन एंड बेसिपेटल पोर्शन। पौधे के ऊंचाई वाले भाग को हम टिप पोर्शन कहते हैं या टर्मिनल पोर्शन कहते हैं, और निचले वाले भाग को बेसिपेटल या लोअर पोर्शन कहते हैं। तो जब टिप वाले पोर्शन से हम कटिंग बनाते हैं तो इसको टर्मिनल कटिंग कहते हैं, और इस प्रकार से ये मेरिस्टेमेटिक कल्चर भी कहलाता है। इससे बनाए गए पौधे डिजीज फ्री भी होते हैं। नेक्स्ट टिप स्टूल, स्टूल में आप स्टूल लेयरिंग जो है वो गुआवा में जल्दी ज़्यादा की जाती है, यहाँ से जो सकर्स निकलती है मिट्टी में दबी रहती है, और यहाँ जल फूट जाता है, मिट्टी चढ़ा देते हैं और इससे नया पौधा बना लेते हैं, इसको स्टूल लेयरिंग कहते हैं। मचान लेयरिंग, जब कोई पेड़ ऐसा होता है
कि उसकी शाखाओं तक हम नहीं पहुंच पाते थे। यहाँ एक मचान बना करके और इसमें इसकी जड़ डगार को ब्रांच को दबा देते हैं तो ये मचान लेयरिंग कहलाती है। इस प्रकार से ये लेयरिंग है। गूटी, गूटी माने या इसको मार्केटेज भी कहते हैं, एयर लेयरिंग भी कहते हैं। इसमें जो ब्रांच होती है वेन वेयर द रूट आर फोर्स टू एराइज ऑन द एरियल पोर्शन ऑफ द प्लांट इज नोन एज एयर लेयरिंग आर गूटी। यहाँ पे हम करीब 2.5 सेंटीमीटर की रिंग बना लेते हैं ऊपर से, करीब 20 से 25 सेंटीमीटर छोड़ करके यहाँ पे रिंग बना लेते हैं और इसमें मांस घास बांध करके मिट्टी वगैरह लपेट देते हैं। कुछ दिन बाद लगभग 15-20 दिन बाद में रूट इंक्वायरेज होता है और यहाँ से काट करके दूसरा सुटेबल मीडियम में प्रेस कर देते हैं तो उसे गूटी अथवा मार्केटेज एयर लेयरिंग कहते हैं। नेक्स्ट डुअल प्लांट, डुअल प्लांट में है ग्राफ्टिंग या डिटा, इसको जो सिंगल प्लांट द्वारा हम करते हैं इसको अटैच ग्राफ्टिंग भी कहते हैं। सॉरी, डुअल प्लांट दो पौधों द्वारा, एक है जुड़ी रहने पर शाखा जुड़ी रहने पर और अलग रहने पर, जुड़ी रहने पर जो करते हैं इसको इनआर्चिंग कहते हैं या अटैच ग्राफ्टिंग कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, इनआर्चिंग अथवा अटैच ग्राफ्टिंग। इसमें द अटैच ग्राफ्टिंग, इसमें हम सायन को जब तक नहीं रिमूव करते प्लांट से, मदर प्लांट से, जब तक कि जैसे सपोज करें दिस इज द स्टॉक, जो रूट स्टॉक होता है और ये हमारा प्लांट है, तो इससे जो ब्रांच इसमें वो करते हैं इसको तब तक नहीं रिमूव करते मदर प्लांट से जब तक कि ये यूनियन फॉर्म नहीं हो जाती, तो इसको हम अटैच ग्राफ्टिंग कहते हैं या इनआर्चिंग कहते हैं। और जो अलग रहने पे इसको शाख को हम मात्र पौधे से पहले ही रिमूव करके और रूट स्टॉक पे यहाँ पे जोड़ते हैं तो इसको हम अटैच ग्राफ्टिंग या वीनियर ग्राफ्टिंग के नाम से जानते हैं। इसमें वीनियर ग्राफ्टिंग जो डिटैच ग्राफ्टिंग होती है इसमें सफलता मिलने के कम चांस रहते हैं वनस्पति इनआर्चिंग के। तो ये इनआर्चिंग है और ये है डिटैच मेथड ऑफ ग्राफ्टिंग। इसके बाद कलकैन, बडिंग में सील्ड बडिंग, इन्वर्टेड सील्ड बडिंग और टी बडिंग दोनों होता है। इसी प्रकार से इन्वर्टेड टी बडिंग, चिप बडिंग वगैरह हम करते हैं। बडिंग में क्या होता है कि ये शाख से हम जो बड होती है एक कली इसको कहते हैं नोड्स, ये निकाल लेते हैं करीब 2.5 सेंटीमीटर तक और इसको स्टॉक पे यहाँ पे इसको निकाल करके पूरा यहाँ पे लगा देते हैं, जोड़ देते हैं और यहाँ पे पॉलीथीन स्ट्रिप से बांध देते हैं। तो हमारा ये हो गया बडिंग, एक कली निकाल करके लगा देते हैं। अब नाउ यू हैव टू, आपको देखना है कि बीज द्वारा तथा वनस्पति प्रसारण में क्या अंतर है। बीज द्वारा जब हम प्रसारण करते हैं तो बहुत ही आसानी तरीके से हम बीज को बो देते हैं तथा जब दो चार पत्तियों का पौधा हो जाता है तो सुटेबल मीडियम में उसको लगा देते हैं। इसमें कोई ज़्यादा स्किल्ड पर्सन की आवश्यकता नहीं होती, निपुण व्यक्ति की आवश्यकता नहीं होती, जबकि वनस्पतिक प्रसारण में हमें निपुण व्यक्ति की आवश्यकता होती है। बीज द्वारा जो पौधे प्रसारित किए जाते हैं उनके करेक्टर अपने मात्र पौधे से भिन्न रहते हैं, जबकि वनस्पतिक प्रसारण द्वारा प्राप्त पौधों के जो गुण होते हैं वो अपने मात्र पौधे से लगभग मिलते जुलते हैं। तो अगर आपको नई बीज द्वारा नई प्रजातियों का उदय होता है, जबकि वनस्पतिक प्रसारण में नई प्रजातियों का उदय नहीं होता। बीज द्वारा प्रसारित पौधे बड़े होते हैं जो कि वायुवृत्त बनाने वगैरह के, विंड ब्रेक्स बनाने के काम आते हैं, जबकि वनस्पतिक द्वारा प्रसारित किए गए पौधे छोटे होते हैं और काफ़ी संख्या में पर हेक्टेयर प्लांट इसमें ज़्यादा लगाए जा सकते हैं और इसमें बड़े होने के कारण कम पौधे आते हैं। और बीज द्वारा प्रसारित पौधों में डिजीज वगैरह का भय ज़्यादा नहीं रहता, जबकि वनस्पति प्रसारण द्वारा प्रसारित किए पौधों में रोग और कीटाणु का ज़्यादा भय रहता है। इस प्रकार से अब ये है कि देखिए, कोई भी ज्ञान होता है जब वो सोसाइटी के लिए लाभप्रद रहता है तो उसका विशेष महत्व होता है। प्रसारण का सामाजिक
या सोसाइटी के लिए क्या महत्व, इस चीज़ को आपको समझना बहुत ज़रूरी है। आप देखते हैं कि जो अनपढ़ हैं, जो ले मैन है, ले पर्सन, वो लोग होते हैं जो फॉर्मल एजुकेटेड नहीं होते। दो प्रकार की एजुकेशन होती थी, फॉर्मल और इनफॉर्मल। जो फॉर्मली एजुकेटेड होते हैं, अपने कॉलेज में जा करके शिक्षा ग्रहण करते हैं, वो उतना सफलता नहीं पाते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकली नॉलेज उन्हें लेमैन को ज़्यादा होता है जो अनपढ़ होते हैं। और अगर आप प्रोपेगेशन को, प्रसारण को कायदे सीख लीजिए, तो निश्चित रूप से आप अपना मन चाहे पौधा बना सकते हैं और बाज़ार में बेच सकते हैं। इससे काफ़ी आप लाभ कमा सकते हैं। जैसे कोई भी पौधा है, क्रोटन है, कटिंग लग जाती है, जो ऑर्नामेंटल मैंगो है, इसी प्रकार से बहुत से पौधे हैं जिनकी कटिंग लग जाती है, पत्तियों द्वारा प्रसारित हो जाते हैं, कोलियस वगैरह, तो आप आसानी से प्रसारण करके उनको अच्छे दामों पे बाज़ार में बेच सकते हैं और अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। ये प्रसारण द्वारा आप काफ़ी अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीविका का साधन भी इसे बना सकते हैं। तो इसलिए प्रसारण चैप्टर जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों के लिए तथा समाज के लिए। इसके द्वारा आप अपनी जीविका का अच्छा साधन बना सकते हैं और अच्छा एक अपना व्यवसाय शुरू करते हैं कर सकते हैं। इसलिए प्रसारण को आप लोग सीखिए, और किसी तरह की दिक्कत हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो लाइक एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई वीडियो, और इसको आप लोग देखिएगा। जो इससे जुड़ी हुई चीज़ें हैं मैं नेक्स्ट आपको दोबारा बताऊँगा कि कैसे आप किस प्लांट को प्रोपेगेट कर सकते हैं।